हे गाइस, मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप, ठीक है। और मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप प्लीज पिछली वीडियो देखिए जो मैंने इस चैप्टर की भी कराई है और पहले भी कराई है, क्योंकि शुरू से जो चल रहा है ना शॉर्ट ट्रिक्स, सब में वही काम आ रही है। और आप पहले वाली वीडियो देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर पार्टनरशिप। तो फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं। एक आदमी है, उसने इतने रुपीज डिवाइड करे हैं अपने पांच सन में, चार डॉटर में और दो भतीजों में, ठीक है। इफ ईच डॉटर, इसी टाइप का हमने क्वेश्चन एक कल कर रखा है, आप प्लीज वो वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखी है। तो इफ ईच डॉटर रिसीव फोर टाइम्स, अगर डॉटर ने फोर टाइम रिसीव कराया, मतलब जो डिवाइड हुआ है इसमें से उसके फोर टाइम तो कराया हर एक मैथ्री पे, एक डॉटर ने फोर टाइम कराया ईच, देखना फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईच मैथ्यू, ठीक है, हर एक मैथ्यू के। एंड ईच सन रिसीव फाइव टाइम्स एज मच एज ईच ऑफ मैथ्यू, ठीक है। और सन ने कितना कराया, फाइव टाइम कराया अपने भतीजों के, उसके भतीजों के। तो हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव, तो डॉटर ने कितना रिसीव कराया ये हमें बता गया। तो क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा, शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाएंगे इसको, बहुत इजी आपके लिए। देखिए, अब यहां पर हम लिख लेते हैं डॉटर, जैसे हमने कल क्वेश्चन में लिखा था ऐसे, यहां पर नेफ्यू और यहां पर सन, ठीक है। अब उसने कहा डॉटर ने फोर टाइम कराया नेफ्यू के, ठीक है, तो डॉटर ने फोर टाइम लिख दिया किसके, नेफ्यू के, ठीक है। और सन ने कितना कराया, फाइव टाइम कराया किसके, नेफ्यू के। तो यहां पर आ जाएगा नेफ्यू के फाइव टाइम कराया, तो सन ने कितना है, फाइव, यहां पर आ जाएगा वन, ठीक है। अब हमारा वही रेशो वाला प्रोसी मेथड, इसके इधर वन, इसके इधर वन, यह जाएगा फोर वन जब फोर, ये वन और ये फाइव, ठीक है। अब उनकी डिवाइड करने की रेशो ये है, लेकिन ये रेशो जो है ना ये ईच नेफ्यू की है, ठीक है, ईच नेफ्यू जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो अब आ जाएगा हमारा, तो डॉटर कितनी थी हमारे पास, क्वेश्चन में डॉटर थी हमारे पास फोर डॉटर, तो ये हर एक 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 एक, एक, एक ये एक डॉटर का है, ये एक सर, एक नेफ्यू का है, ये एक सन का है। तो हमें इसको जितनी क्वेश्चन में दे रखी थी उतना करना पड़ेगा, हमें तो चार डॉटर में डिवाइड करना है ना, और दो नेफ्यू में डिवाइड करना है और पांच सन में डिवाइड करना है, ठीक है। तो फोर इंटू फोर, टू नेफ्यू थे हमारे पास क्वेश्चन में, इंटू वन, यह आ जाएगा फाइव हमारे पास सन थे, इंटू फाइव, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये हो गया, ये फोर का सा है, ये फोर क्वेश्चन में गिवन है, फोर डॉटर का, दो नेफ्यू के और फाइव सन के, और इसकी रेशो से मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि ये ईच ईच दिया हुआ उसने, ये एक एक डॉटर एक सन एक नेफ्यू का है। तो यह आ जाएगा सिक्सटीन रेशो टू रेशो ट्वेंटी फाइव, ठीक है। अब ये हमारे पास रेशो आ गया, ये तो आ गया चार डॉटर का, ये आ गया दो नेफ्यू का और ये आ गया पांच सन का, ठीक है। इस रेशो में हम डिवाइड करेंगे, अब करना कितना डिवाइड है, 86 100, ठीक है। और पूछा किसका है, डॉटर का, तो डॉटर का ईच डॉटर का पूछा है ना, तो करेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय अपॉन में, क्योंकि ये तो टोटल सम दे रखा है ना, तो कि जिसका निकालना है हमें निकालना है डॉटर का, तो डॉटर का लिखेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय सम अपॉन में टोटल रेशो, टोटल रेशो कितनी है, 25 या जाएगी 43, टोटल रेशो आ जाएगी हमारी 43, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 43 तो या जाएगी 16 दूनी 32, ठीक है 3200। और अब उसने पूछा है एक डॉटर को कितना रिसीव हुआ है, तो डॉटर कितने थे हमारे पास, चार, तो एक डॉटर को कितना होगा, चार से डिवाइड कर देते हैं इसको,
800. तो ईच डॉटर रिसीव 800 आंसर। देखिए कितना इजी है आपके लिए, कुछ नहीं, दो लाइन का आंसर है बस। समझिए, एक बार और बता देता हूं। एक आदमी था, उसने 8600 रुपए डिवाइड करने थे चार डॉटर में, दो नेफ्यू में और पांच सन में। तो उनकी जो डिवाइड करने की रेशो थी वो थी डॉटर और नेफ्यू की थी 4:1 बन गई, इसके 4 टाइम था। ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया 4 टाइम। और सन की थी ये, इसका सन नेफ्यू का 5 टाइम था। तो यहां पर 5 लिखेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे। अब मैंने रेशो चैप्टर में बताया था पड़ोसी मेथड से, इसकी रेशो निकाल लेंगे, आ जाएगा 4। ऐसे इसको 1 निकाल ले जाएंगे, 1 निकाल ले जाएंगे, तो आ जाएगा 4, 1, 5। ये तो निकला है ईच डॉटर, ईच नेफ्यू, ईच सन। अब हमें निकालना है कितना, चार डॉटर, दो नेफ्यू और 5 सन का। तो इसकी रेशो में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की इसकी 2 से, इसकी 5 से। ठीक है, इसकी रेशो आ जाएगी 16, 2 और 25। अब ये तो हमारी टोटल रेशो है, उधर हमें डिवाइड करना था 8600। अगर डॉटर का निकालना है तो क्या करेंगे, 16 × 36 = 100 और अपॉन में आ जाएगी टोटल रेशो। तो ये टोटल रेशो से कैंसिल आउट, 200 × 32। लेकिन हमें निकालना है ईच डॉटर का, ईच डॉटर का निकालने के लिए हमें 4 से डिवाइड कर देंगे, 800 आंसर। ठीक है, देखिए बहुत इजी है। जिसकी नहीं समझ में आया है वो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसने कहा है सम ऑफ, ये है 370 हमारे पास रुपीज में है, इतना अमाउंट है, और ए बी सी को हमने इस रेशो में डिवाइड करा है। ए और बी का रेशो 3:4, बी और सी का रेशो 3:4। देखिए अब सिंपल ट्रिक से आपको समझाता हूं मैं। इन्होंने कहा हमारे पास ए बी सी है, ये लिख लिया हमने ए बी सी। ठीक है, इन्होंने कहा है और बी का शेयर होगा कितना, 3:4, ये लिख दिया हमने 3:4। ठीक है, अब इन्होंने कहा है बी और सी का रेशो होगा 3:4, तो ये लिख दिया हमने 3:4। ये वही पड़ोसी मेथड से, ये 3 × 3 = 9, 3 × 12 = 16। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी रेशो आ गई है, ये तो याद तो आ गया होगा आपके समझ में। ए और बी का 3:4 है, बी और सी का 3:4 है, हम इसके साथ में नहीं लिखते। ठीक है, मैंने रेशो चैप्टर में समझाया क्यों नहीं लिखते। तो इसका ये इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा रेशो हमारा। ठीक है, अब कितना है, 370 रुपए है, हमें फाइंड करना है ए का, ए को कितने मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए को मिले हैं हमारे हिसाब से ए को 9 मिले हैं। टोटल सम है कितना, 370। ठीक है, अपॉन में टोटल रेशो कितनी है, 16 × 37। ठीक है, टोटल रेशो इसकी ये जोड़ते हैं 16, 12 और 9, ये 37 आ जाएगी। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, आ जाएगा 10 और ए की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10 = 90। ये आपका आंसर है, देखिए कितना इजी है ना आसान। तो ट्राई कीजिए आप भी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, समझा देता हूं क्या कहा है इसमें। एबीसी कोई वर्कर है, उन्होंने वर्क कराया है इस रेशो में 7, 8 और 10 डेज की रेशो में। ए ने 7 दिन कराया सपोज, क्योंकि रेशो में तो हम बता नहीं सकते ना कितना कराया। ए ने सपोज 7 दिन कराया, इसने 8 दिन कराया, बी ने और सी ने 10 दिन कराया रेस्पेक्टिवली। दे आर पेड 369 रुपीज, उन्होंने उसे पेड करे गए उन्हें फॉर देयर जॉब इफ देयर रेशो इज डेली वर्क, उनकी डेली वर्क करने की रेशो ये थी। ठीक है, बट इज द शेयर ऑफ ए का हमें शेयर बताने क्या है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास है ए बी और सी, इनकी रेशो कितनी है वर्क करने की, 7, 8 और 10। अब हमारे पास ये रेशो की बने 1/3, 1/4 रेशो में और 1/6। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है क्या करते हैं, तो इसको एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसको इन सबसे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सफर मैंने 12 ले लिया, ये एलसीएम ले लो आप शॉर्ट में, बता देता हूं। तो यहां पर आ जाएगा 3, 4 जा, तो यहां पर आ जाएगा 4। ठीक है, 4, 3 जा, यह आ जाएगा 3, 6, 2 जा, यह आ जाएगा 2। तो इसकी रेशो आ जाएगी 4, 3 और 2 वर्क करने की। तो इसके नीचे लिखेंगे इसको 4, 3 और 2, क्योंकि जितने दिन काम करा है और जितनी एफिशिएंसी से कराया, मतलब एक दिन की क्षमता से कराया, तो उसके नीचे लिखेंगे। अब एन ए की कार्य करने की वो क्या थी, देखिए डेली वर्क करने की रेशो क्या थी, 4, बी की 3, सी की 2। अब इनके नीचे रख दिया हमने ऐसे। अब सपोज
एक दिन में चार किस्म से काम करते हैं और सात दिन में कितना करेगा वो सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करके बता देते हैं। यह आ जाएगा 28, यह आ जाएगा 28, यह आ जाएगा 24, मल्टीप्लाई करनी है डायरेक्ट, और यह आ जाएगा 22। ठीक है, हम इसको और शॉर्ट में कर लेंगे, थोड़ा सा देखिए इधर करके बता देता हूं, ये तो आपके समझ में आ गया होगा कि इसकी रेशो हम कैसे निकालते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है। तो इधर कर लेते हैं इसको, इसको एक बार कट कर लेते हैं। चलिए देखिए, यह आ जाएगा 4 से, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, यह आ जाएगा 7, यह आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा 5। ठीक है, 7, 6 और 5 आ गया हमारी रेशो। अब इन्होंने पूछा है बस ये रेशो आ गई, कितने रुपये हमें डिवाइड करना है, टोटल सम दे रखा है, ए का पूछा है, ए का कितना है 7। ठीक है, टोटल सम कितना है 369, टोटल रेशो कितनी है 6, 5, 11 और 7, 58, यह आ जाएगी 18। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे जब हम, तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 143.5 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बता देता हूं, एबीसी ने वर्क किया है 7, 8 और 10 डेज, ठीक है, रेस्पेक्टिवली दे आर पेड टोटल 369 रुपीज फॉर देयर जॉब इफ देयर रेशो इज डेली वर्क, डेली वर्क करने की उनकी रेशो थी 1/3, 1/4, 1/6, वट इज द शेयर ऑफ ए, ए का हमें शेयर पूछा कितना है, तो पहले इस रेशो को सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 4 और 3 और 2। ठीक है, इस रेशो को सिंप्लीफाई करके 4 रेशो 4, 3, 2 आ गया, इधर 7, 8, 10 था, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ए की ए के साथ, बी की बी के साथ, सी की सी के साथ, यह जाएगा 18, 24, 20। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो यह जाएगा 7, 6 और 5, हमें ए की पूछा है, तो 7 × टोटल सम अपॉन टोटल रेशो का सम। तो फ्रेंड्स यहां पर आ गया हमारा आंसर 143.5, जब इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हमसे ये सिविल पूछ लेता कि बी, बी का बताइए आप बी का कितना होगा, तो बी का होगा 6 मल्टीप्लाई में, यहां पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई में टोटल सम अपॉन में टोटल रेशो। ऐसे हमसे सी का पूछ लेता अगर कि सी को कितना शेयर मिलेगा, तो सी को आ जाता 5 मल्टीप्लाई में 369 अपॉन में 18, 143 आपका आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, और शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। आप एक बार बस समझने की कोशिश कीजिए, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और आई होप, मुझे बहुत आशा है कि आप जरूर इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं इसी टाइप का एक पीछे। तो देखिए क्वेश्चन समझिए, इन्होंने कहा है कि एक बंदा है ए, उसने इन्वेस्ट करा है 15,000 रुपए 1 ईयर के लिए, और बी ने इन्वेस्ट करा है 20,000 रुपए 6 मंथ के लिए, सी ने इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपए फॉर 4 मंथ के लिए। ए गेट अ प्रॉफिट ऑफ इतने रुपीज, ए को प्रॉफिट में मिले हैं, तो बी और सी को कितने रुपए प्रॉफिट में मिलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करना है, ऐसे C1 T1 रेशो में C2 T2 और C3 T3 इक्वल्स टू P1 रेशो P2 रेशो P3, ये करना है आपको। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये आप करके देखिए अभी, प्लीज एक बार वीडियो को रोकिए,
पॉज करके देखिए और क्वेश्चन को करिए, इसका आंसर फिर मेरे आंसर से मैच कीजिए, ठीक है। मैं अभी इसका आंसर करवा रहा हूं आपको, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए मैं करता हूं, अब एबीसी है, ए ने कितना कराया 15,000 रुपए, ठीक है। कितने दिन, कितने साल के लिए? एक साल के लिए, एक साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है। अब उसने कराया 20,000 रुपए, ठीक है। कितने दिन के लिए? ओनली 6 मंथ के लिए। और इसने कराया 4 मंथ के लिए 10,000 रुपए। अब ए को प्रॉफिट कितना होगा यार? 81 होगा, रेशो पी टू रेशो पी थ्री, ये रेशो पी टू और रेशो पी थ्री हमें निकालना है। अगर मां नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, मैं अभी नीचे करूंगा इसको देख रहा हूं। यह जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, यहां पर 3 इससे कैंसिल आउट, ठीक है, यहां पर 3 इससे कैंसिल आउट। रेशो में हम कैंसिल कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन इस चीज वस्तु के इधर इधर, ठीक है, जहां बीच में साइड जाएगा, अगर उधर हमारा रेशो कटना होगा तो वो उस साइड जाके कटेगा, इधर नहीं कटेगा। तो आ जाएगा 2 2 4, 2 3 6 और 2 6 12, यह आ जाएगा 1590 रेशो में। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना 15 × 6 90 और 20 × 6 यह आ जाएगा 60 और यह आ जाएगा 20 × 10 2 × 10 20 इक्वल्स टू में 81 पी टू और पी थ्री, इधर ये लिखा हुआ आपको, ठीक है। अब हम रेशो में और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये लीजिए 0 0 0 कैंसिल आउट कर दी, क्योंकि रेशो में हम कट कर सकते हैं, ठीक है। अब यह आ जाएगा 9 6 और 2, इन्होंने हमें एक अंक गिवन कर रखा है। अब एक देखिए यहां क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझिए फ्रेंड्स, यहां पर एक का गिवन है, टोटल सम गिवन नहीं है, एक का गिवन है तो एक ही रेशो के साथ रखें। अगर हमें टोटल सम दिया होता और किसी का पूछता तब हम 6 का रख के अपॉन में टोटल रेशो करके, सपोज देखिए अभी एक क्वेश्चन को सुनिए, इन्होंने कहा है कि ए का गिवन है इतना 81,000 रुपए, ठीक है, ए को इतना प्रॉफिट हुआ है। अब अगर मैं कहूं कि टोटल प्रॉफिट 81,000 रुपए हुआ है, अब ए को कितना मिलेगा, तो इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर टोटल सम 81,000 रुपए है तो ए को कितना मिलेगा, तो हम करते हैं इसको 9 × 81,000 अपॉन में टोटल 16 यह आ जाता 17, ठीक है। तो तब होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे निकलता हमारे एक आंसर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में गिवन है क्या कि ए को प्रॉफिट हुआ है, टोटल को प्रॉफिट नहीं हुआ है, ए को प्रॉफिट हुआ है, मींस 9 को प्रॉफिट हुआ है कितना 81,000 रुपए, ठीक है। अब एक यूनिट कितना होगा, एक यूनिट हो जाएगा 9,000 रुपए, ठीक है, एक यूनिट 9,000 रुपए होगा। अब इससे बी और सी का पूछा है, अब बी कितने यूनिट है हमारे पास, 6, तो इसकी 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए इधर कर देता हूं, बी और सी का पूछा है ना, तो 9,000 की इसके मल्टीप्लाई करा देंगे, यह आ जाएगा 54,000 रुपए। और सी का पूछा है, सी का कितना है 2 यूनिट, तो सी का 2 × 9,000 रुपए, 9 × 18 = 18,000 रुपए, ठीक है। ये आपका आंसर है, सी का तो 18,000 और बी का रहेगा 54,000 और ए का हमारे पास गिवन है पहले से ही आ गया प्रॉफिट, ठीक है। देखिए कितना क्वेश्चन को बस हमें यहीं पर ही समझना है, टोटल प्रॉफिट गिवन है या सिर्फ एक सिंगल का गिवन है, यहां पर हमें सिंगल का गिवन था ए, देखिए ए गेट अ प्रॉफिट 81,000 रुपए, ठीक है। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं,
देखिए आपको ये क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था सर, इसने कहा ए और बी ने जो इन्वेस्ट करा है उनकी रेशो है, इसने हमें रुपीज नहीं दिया, उसने डायरेक्ट रेशो दे दी कि उनकी रेशो है 5:3, ठीक है, ए और बी की जो उन्होंने इन्वेस्ट करा है। फिर इसने कहा है कि एक बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, उसके बाद 10% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, ठीक है, देखिए चैरिटी। उन्होंने कहा कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ना उनकी रेशो से, वो उन्होंने उसका 10% एक चैरिटी को दे दिया है, ठीक है, चैरिटी को दे दिया है टोटल का 10% टोटल प्रॉफिट का। और ए का जो शेयर है वो 900 रुपए है, ठीक है, ए का शेयर 900 है, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा। देखिए नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन समझ में, बिल्कुल 1 सेकंड का आंसर है, ठीक है, 1 सेकंड नहीं, चलो 2 या 3 सेकंड का, बस इससे ऊपर नहीं। आइए अब इन्होंने कहा कि टोटल प्रॉफिट हमारा सपोज एक्स था हमारा टोटल, ठीक है, हमने टोटल, चलो मैं एक्स वैक्स नहीं मनवा रहा, आप मत मानिए इसको एक्स को। अब हमारे पास क्या है टोटल प्रॉफिट, हमारे पास टोटल प्रॉफिट था जो उसका हमारे पास हमने 10% चैरिटी में दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 90%। तो ये देखिए 90% किसका शेयर दे रखा है, 5 का, ऑफ 5, 90% मल्टीप्लाई में लिख लीजिए ऑफ 5, कितना दे रखा है 900, ठीक है। अब 5 का हमें 5 का गिवन था, इसलिए हमने 90% इसके साथ मल्टीप्लाई में कहा है, अगर हमारे पास 3 रेशो का गिवन होता तो हम यहाँ पर 3 भी लिख सकते थे, ठीक है, अगर हमें 3 गिवन दे देता ना तो हम यहाँ पर 3 लिखते, तो हमें अभी 5 गिवन है, हमने यहाँ पर लिखा 5, ठीक है, 5 गिवन है 90%, और 90% 5 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर चैरिटी में गया तो इसका भी तो 10% गया है ना, ठीक है, इसका भी 10% चैरिटी में गया, तो 90% ऑफ 5 इज इक्वल टू 900 है, टोटल प्रॉफिट पूछा है उसने, तो याद आएगा 1:900, ये 5 उधर नीचे चला जाएगा, ये 90 भी तक आ जाएगा, अपॉन में जो परसेंट का 100 का ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब टोटल पूछा था ना, चलो पहले एक का निकाल लेते हैं, 90 से ये 10, ठीक है, 5 से ये 20, ये आ जाएगा 200, तो ये आ जाएगा 1:200, ठीक है। अभी टोटल प्रॉफिट पूछा था, टोटल प्रॉफिट रेशो में कितना है, 5:3, 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, क्या जाएगा 1650, ये आपका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार और बता रहा हूं, देखिए दो लाइन में है, 2 सेकंड में ए और बी ने इन्वेस्ट करा था इस रेशो में 5:3 में, तो उनके जो 10% प्रॉफिट का 10% उन्होंने एक चैरिटी को दे दिया, जो बचा है उसका ए का शेयर तो उसमें से 900 है, तो और टोटल पूछा है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था हमें। अब देखिए तो प्रॉफिट टोटल जो दे रखा है 5 का दे रखा है, तो 5 का भी तो 10% गया है ना उसमें, तो 5 का 90% बचा हुआ 90% है ना, 10% जाने के बाद बचा हुआ 90% है, 90% इंटू 5 का 90% किसके 900 के इक्वल होगा, तो 1 की यूनिट निकालेंगे यहां पर, और 1 की यूनिट निकालने के बाद हमारे पास आ जाएगा 200, उसने पूछा था टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट में हम 6 के मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की, ये आ जाएगा 1600। अगर हमसे पूछ लेता है कि बी का प्रॉफिट कितना है, तो हम यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करते 3 से, ठीक है, 200 की 3 से करते तो हमारे पास आ जाता 600। और देखिए आप करके भी देख सकते हैं, हमारे पास ये आ जाता 600, ठीक है, और वो उनको दोनों को वो करते एड आ जाता हमारे पास 1500 और 10% उसका 100, तो वो चला जाता चैरिटी को, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन को समझिए, हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और कल आपके पास इससे भी बहुत अच्छे, इससे बहुत बेहतर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो प्लीज आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक सिर्फ इसलिए नहीं, लाइक इसलिए कीजिए क्योंकि हम आपके एक लाइक से मोटिवेट होते हैं,
ठीक है, हमें मोटिवेट रखे, हम आपको मोटिवेट रखेंगे, ऐसे ही मिलकर हम बहुत कुछ बेहतर अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और इस क्वेश्चन को समझिए, थैंक यू सो मच। बस और कर लास्ट में इसका चैप्टर कर दो, 35 मिनट का तो होगा। वो 5-5 मिनट के हो जाते हैं। बाकी तो नुकसान नहीं हो जाता है।